वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सिंपल, क्विक और बहुत ही हेल्दी वेज थाली बनाना बताऊंगी। इसमें बिल्कुल आसान तरीके से मिक्स वेज, दही, मिर्ची और बाजरे की रोटी बनाना बताया है और ये कॉम्बिनेशन मैंने खुद बनाया है। ये रेसिपीज और ये कॉम्बिनेशन आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा और मेरे घर पर ये सिंपल थाली सभी को बहुत पसंद आई। तो सबसे पहले दही मिर्च बनाएंगे। इसके लिए मैंने 150 ग्राम मोटी मिर्च को धोकर सुखा लिया है। अब थोड़ी थोड़ी दूर पर इसमें हम चीरा लगाएंगे। इस तरह से चारों तरफ मैंने इसमें चीरा लगा दिया है। अब एक बॉल में आधा कप फ्रेश दही लेंगे और इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच नमक ऐड किया है और अब सेम कप से नापकर आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। तो दही को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब एक बर्तन में एक बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाए तो एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच राई और 7 से 8 पिंच हींग डालेंगे। जीरा राई तड़क जाए तो थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालकर फ्राई करेंगे। थोड़ा सा कड़ी पत्ता फ्राई करने के बाद इसमें फेटा हुआ दही डालेंगे। तो दही को डालते जाएं और साथ साथ चम्मच से चलाते भी जाएं और दही डालने के बाद इसे कंटिन्यू आपको चलाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो दही फट जाएगा और पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाती है इसे कंटिन्यू चलाते रहें। गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई पर रखा है। तो दही में अच्छे से उबाल आ गया है, अब ये फटेगा नहीं। अब इसमें हम मिर्चियाँ डाल देंगे। मिर्ची को दही में मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढककर लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि मिर्चियाँ अच्छे से गल नहीं जाती और एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाती। धीमी आंच पर पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। मिर्ची अच्छे से गल गई है और एकदम सॉफ्ट हो गई है। अब गैस का फ्लेम बंद करके ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। तो टेस्टी दही मिर्ची बनकर तैयार है। मिर्ची का फ्लेवर जो दही में मिक्स होता है उससे दही का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है और जो दही मिर्ची में जाता है उससे मिर्ची भी बहुत टेस्टी लगती है। अब दही मिर्ची के पकने तक मैंने यहाँ सब्जियाँ धोकर कट कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सेम ली है, 2 बैंगन लिए हैं, 2 टमाटर, 2 आलू और थोड़ी सी मेथी। सब्जियों को कट करने से पहले हम एक ठेचा बना लेंगे। अब मिक्सर में 15 से 20 कलियाँ लहसुन की, 4 से 5 हरी मिर्ची या फिर आप जितना तीखा खाते उस हिसाब से मिर्ची लें, 1 छोटा चम्मच जीरा और 8 से 10 काली मिर्च के दाने लेंगे और सबको पीस लेंगे। तो इस तरह से ये दरदरा पीसेगा। अब सभी सब्जियों को कट कर लेंगे। बैंगन को लास्ट में कट करें क्योंकि जल्दी काला पड़ जाता है। सेम की फली कट करने के लिए सबसे पहले इसका रेशा निकाल लें और इसे अंदर से एक बार अच्छे से चेक कर लें क्योंकि अक्सर इसमें कीड़े निकलते हैं। तो मेथी को मैंने बारीक कट कर लिया है, सेम को भी कट कर लिया है, टमाटर को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है और यहाँ 1 बैंगन के मैंने 4 टुकड़े किए हैं, आलू को इस तरह से कट कर लिया है और आधी कटोरी फ्रेश मटर ली है। अब कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाए तो 3 से 4 पिंच इसमें हींग डालेंगे। हींग फ्राई हो जाए तो इसमें ठेचा डालेंगे। ठेचा को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 1-2 बार चम्मच से चलाकर इसमें हम सब्जियां डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें बैंगन, आलू, मटर डालकर आधे से 1 मिनट फ्राई करेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखें। इसके बाद टमाटर और सेम डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डालकर एक बार फिर से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ढककर लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट पकाएंगे या फिर आलू जब तक 80% तक गल नहीं जाते। 6-7 मिनट हो गए हैं और ये आलू 80% तक गल गए हैं। अब इसमें कटी हुई मेथी डालकर मिक्स करेंगे और ढककर लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट और पकाएंगे। तो 4-5 मिनट हो गए हैं और आलू अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो ये गर्मा गर्म बैगन, सेम, आलू, मटर, टमाटर, मेथी की सब्ज़ी बनकर तैयार है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनी है। ज़्यादा मसाले इसमें हमने नहीं डाले हैं लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो सब्ज़ियाँ पकने तक मैंने बाजरे की रोटी भी बना ली थी, तो मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 कप बाजरा लिया है। इसमें आप आराम से 6 रोटी बना सकते हैं और 8-10 दिन पुराना आटा है ये, ज़्यादा पुराना नहीं है। इसे गूंदने के लिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर ज़रूरत के हिसाब से ही पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके हमें इसे अच्छे से नीट करना है। तो नीट करने के लिए हथेलियों से 4 से 5 मिनट इसे घिसते हुए नीट करना है। आटे को अगर आपने अच्छे से नीट किया है और ज़्यादा पुराना नहीं है तो रोटी बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आटा ज़्यादा पुराना है तो गर्म पानी से नीट करें। तो आटे को नीट करते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। आटा एकदम स्मूथ और सॉफ्ट हो गया है। रोटी बनाते वक्त आटे को कवर करके रखें, नहीं तो आटा ड्राई हो जाएगा। और अगर आटा ड्राई हो जाता है तो थोड़ा सा पानी का हाथ लगाकर 1/2 से 1 मिनट फिर से नीट कर लें। अब जितनी बड़ी रोटी बनाना है उस हिसाब से आटा लेके रोल करेंगे और इसमें बाजरे का सूखा आटा लगाएंगे। अब हाथ से घुमाते हुए लोई को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और हल्के हाथ से बेल लेंगे तो आटा ज़्यादा पुराना ना हो और उसे अच्छे से नीट किया गया हो तो रोटी बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। आसानी से आप रोटी को घुमाते हुए बेल सकते हैं और रोटी को बिल्कुल हल्के हाथ से बेलें। तो जैसे गेहूं की रोटी बनाते हैं वैसे ही मैंने इसे पतला बेला है। अब इसे गर्म तवे पर डाल देंगे। जब ऊपर से बबल्स आने लगे तो रोटी को पलट देंगे और जब दूसरे साइड से भी बबल्स दिखने लगे तो तवे को फ्लेम से हटा देंगे और रोटी के ऊपर वाले हिस्से को डायरेक्टली फ्लेम पर रखकर सेक लेंगे। फ्लेम पर रखते ही रोटी तुरंत फूल जाएगी। गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखें। तो इस तरह से फूली हुई रोटी काफ़ी देर तक नरम रहती है। दोनों साइड से रोटी को अच्छी तरीके से सेक लें और गर्म गर्म रोटी पर घी लगाकर सर्व करें। अब थाली में प्याज, टमाटर, नींबू का सलाद, गर्मा गर्म मिक्स सब्जी, दही मिर्ची और गर्मा गर्म बाजरे की रोटी रखकर सर्व करेंगे।
तो इस थाली को बनाना बहुत ही आसान है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और सिर्फ आधे घंटे में तैयार हो जाती है। तो विंटर में आप भी इस थाली को बनाकर ज़रूर देखिए और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।